हेलो और वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे कापा के बारे में। कापा का फुल फॉर्म होता है करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। ये फार्म इंडस्ट्री के अंदर होने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में वर्क करने की सोच रहे हैं। चाहे वो क्यूसी डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, क्यूए हो, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप काम वर्क करने की सोच रहे हैं तो वहां पर आपको कापा के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम चेंज कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा चेंज कंट्रोल का ही एक पार्ट है। तो चलिए बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं कापा के बारे में। बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है। ठीक है, आपको पहले इसके नाम से समझ में आ रहा है कि यहां पर दो चीजें हैं, करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन। मतलब किसी चीज को हम करेक्ट करेंगे और किसी चीज को प्रिवेंट करेंगे। करेक्शन करना मतलब ठीक करना, प्रिवेंट करना मतलब रोकना। तो मतलब हम यहां पर किसी चीज को ठीक करके रोकेंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्यूसी डिपार्टमेंट कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं तो वहां पर कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होती है या हमारे रिजल्ट्स खराब आते हैं। ठीक है, उस प्रॉब्लम को जस्टिफाई करना कि वो प्रॉब्लम क्या है, ये किसकी वजह से हो रही है, उस प्रॉब्लम को पहले हमको पता लगाना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उसका प्रॉब्लम की वजह से हमको कितना नुकसान हो रहा है उसका भी हमको पता लगाना पड़ेगा। उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम एक एक्शन लेंगे, मतलब उस प्रॉब्लम को पहले हम ठीक करेंगे। ठीक करने के लिए भी हमको ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम ये ठीक करते हैं तो इससे हमको क्या फायदा होगा, तो उसको कहा गया करेक्टिव। और करेक्ट करने के बाद हमने जो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया, मतलब जो बार बार जो मिस्टेक हो रही थी उसको हमने एक तरीके से रोक दिया, इसलिए इसे बोला गया करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। मतलब पहले किसी प्रॉब्लम को जस्टिफाई करना, उसको पता लगाना उसका कि इस वजह से हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बार बार बिगड़ रही है, उस प्रॉब्लम का पता लगा के उसको ठीक करना और ठीक करने के बाद वापस उसको अप्लाई कर देना। आपने जो भी चीज ठीक करी उसको अप्लाई करा और अप्लाई करने के बाद आपने ये चेक करा कि यहां पर देखिए कापा का नाम का फुल फॉर्म है करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। मतलब हमको पहले प्रॉब्लम को करेक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट करने के बाद भी हमको ये चेक करना पड़ेगा कि जो हम करेक्शन हमने किया है उससे क्या हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधर गई, क्या वो गलती ठीक हो चुकी है, तो उसको भी हमको मेजर करना पड़ता है, उसका भी डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, तो उसे बोला गया प्रिवेंटिव एक्शन। ठीक है, तो करेक्टिव एक्शन का भी डॉक्यूमेंटेशन करना है और जो करेक्शन करने के बाद जो आपको रिजल्ट्स मिले, जो प्रिवेंटिव एक्शन हुआ उसे बोला गया प्रिवेंटिव एक्शन। तो करेक्टिव एक्शन और फिर प्रिवेंटिव एक्शन, गलती को ठीक करा और गलती को ठीक करने के बाद उसको ये देखा कि वो गलती ठीक करने के बाद हमको क्या रिजल्ट्स मिले, तो उन दोनों का डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि ये करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो आपके दिमाग में और इजी क्लियर हो जाएगा कि ये करेक्टिव और कापा जो होता है वो कैसे लिया जाता है। ठीक है, क्या होता है देखिए, मान लीजिए मैं एक टेबलेट बना रहा हूं। ठीक है, ये एक रियल केस बता रहा हूं मैं आपको, किस कंपनी में हुआ मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा आपको। मान लीजिए एक टेबलेट बन रही है, टेबलेट के अंदर फॉर्मुलेशन की मिक्सिंग करनी है, पहले पीआरएम बनाएंगे, प्री फॉर्मुलेशन करेंगे, उसका फॉर्मुलेशन बनाना है, तो आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करा, उसके अंदर ड्रग ली, एपीआई लिया, एपीआई के ऊपर डाले आपने सारे एडिटिव्स। एडिटिव्स के अंदर दो एडिटिव्स ऐसे हैं जिसमें बाइंडर है 70% और ग्लाइडेंट है 30%। ये हमको फॉर्मुलेशन के अंदर ऐड करना है। ठीक है, बाइंडर 70%, ग्लाइडेंट जो है वो 30% है। बाइंडर का काम क्या होता है, टेबलेट को बाइंड करके रखता है, जब टेबलेट कंप्रेस होती है तो बाइंडर की वजह से वो कंप्रेस हो पाती है। ग्लाइडेंट का मतलब क्या करता है, ग्लाइडेंट जो होता है वो पाउडर को ऊपर में फ्लो कराता है, इजिली स्टिक नहीं होने देता है। जब आपका जो पाउडर है, जो पाउडर फॉर्म में होती है जब ड्रग, तो पाउडर को जब मशीन से पास किया जाता है ऊपर से और फिर वो कंप्रेशन मशीन में आती है, तो वहां पर बीच में वो चिपक ना जाए इसलिए ऐड किया जाता है ग्लाइडेंट। ठीक है, तो यहां पर बाइंडर था वो 70% था और ग्लाइडेंट था 30%। तो इजी समझना, हुआ क्या कि ये दोनों जो बाइंडर और ग्लाइडेंट थे ना, ये दिखने में एक जैसे थे, दोनों व्हाइट पाउडर ही थे और दोनों की पैकिंग भी जो होती थी वो एक जैसी होती थी, बस बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ होता था बाइंडर और ग्लाइडेंट। उससे होता यह था कि जो वर्किंग करने वाले पर्सन थे वो कई बार कंफ्यूज हो जाते थे और ग्लाइडेंट की जगह बाइंडर मिला देते थे, बाइंडर की जगह ग्लाइडेंट मिला देते थे। अब समझ लीजिए, अगर 70% की जगह 30% बाइंडर अगर मिला दिया जाएगा तो गलती से क्या होगा, टेबलेट कंप्रेस ही नहीं हो पाएगी, टेबलेट बार बार टूटेगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बार बार चेक करी गई और फिर बाद में ये पता लगाया जब इस, अब ये बार बार प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई, बाइंडर की जगह ग्लाइडेंट मिल रहा था, ग्लाइडेंट की जगह बाइंडर मिल रहा था, दोनों
प्रॉब्लम इस वजह से आ रही थी कि क्योंकि दोनों का अपीरियंस एक था, दोनों की पैकिंग एक जैसी हो रही थी और दोनों जब स्टोर से आते थे तो दोनों एक जैसे दिखाई देते थे। इस वजह से जो वर्कर्स होते थे या यहां तक कि जो ऑफिसर्स होते थे वो भी कई बार कंफ्यूज हो जाते थे और ग्लाइड एंड बाइंडर मिल जाया करते थे। हुआ क्या, अब इस प्रॉब्लम को जस्टिफाई किया गया, चेक किया गया और बाद में ये पता लगा, ये लगा जो अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्यूए के पर्संस भी आए, प्रोडक्शन के पर्संस भी लगे जो हेड पर्सन थे, उन लोगों ने चेकिंग करी और उनको ये पता चला। देखिए जब टेबलेट टूट रही है तो सीधा सा जस्टिफिकेशन तो यही है कि बाइंडर सही तरीके से ऐड हुआ ही नहीं है। तो बाइंडर सही तरीके से ऐड क्यों नहीं हुआ, उन्होंने ये चेक किया तो उनको सीधा समझ में आ गया कि बाइंडर और ग्लाइड एंड में थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अब उन्होंने इसके लिए क्या जस्टिफिकेशन लगाया, मतलब ये क्या हो गई, एक प्रॉब्लम हो गई। अब इसमें हमको लेना पड़ेगा कापा, मतलब करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन लेना पड़ेगा। तो करेक्शन क्या हो सकता है, तो करेक्शन ये हुआ, देखिए ये जो करेक्शन होता है ना ये बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है। इसमें क्यूए के पर्सन भी बैठते हैं, प्रोडक्शन के पर्सन भी बैठते हैं, वो आपस में डिस्कस करते हैं कि हमको ये एक्शन लेना है कि नहीं लेना है, ये एक्शन हम अगर हम लेंगे तो इसके हमको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, उसका पूरा जस्टिफिकेशन होता है, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है, उस जो मीटिंग हुई उसका भी ऑन रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अब उन्होंने क्या एक्शन लिया इसके लिए, उन्होंने ये करा कि ग्लाइडेंट और बाइंडर इन दोनों की जो पैकिंग है उसको अलग अलग कर दो। तो उन्होंने क्या करा कि उन दोनों की पैकिंग के कलर चेंज कर दिए कि बाइंडर जो होगा वो ग्रीन कलर में आएगा और जो आपका ग्लाइडेंट है वो येलो कलर के पैकेट में आएगा, ठीक है। कलर से आप इजिली जस्टिफाई कर लेंगे। दूसरी चीज ये कि बाइंडर और ग्लाइडेंट के जो पैकेट्स होंगे वो कलर में भी अलग अलग होंगे और उन दोनों के ऊपर एक तरीके की प्रॉपर लेबलिंग होगी, तो लेबलिंग से भी क्लियर हो जाएगा। बड़े बड़े अक्षरों में हमको लिखना है, उन्होंने वर्ड साइज भी बढ़ा दी लेबलिंग की कि बाइंडर्स आपको मेंशन करना है और ग्लाइड एंड आपको मेंशन करना है। ये एक एक्शन लिया गया और इसको बोला गया कापा कि आपने एक जो वर्किंग कल्चर जो आ रहा था जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही थी उस वर्किंग कल्चर को चेंज करके आपने एक नया एक्शन बनाया, तो ये हुआ करेक्टिव एक्शन। अब प्रिवेंटिव एक्शन क्या होगा, इसमें जब आपने ये करेक्टिव एक्शन ले लिया है तो अब वो कम से कम 2-3 महीने तक ये चेक करेंगे कि जो एक्शन हमने लिया इससे हमको क्या फायदा हुआ कि नहीं हुआ, मतलब ये कंफ्यूजन वापस तो क्रिएट नहीं हो रहा है, तो ये कहलाया प्रिवेंटिव एक्शन। तो उसका भी वो डॉक्यूमेंटेशन करेंगे कि और उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कापा के अंदर फिर पूरा डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, पहले उनको ये लगाना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी, किस वजह से हुआ, उसके बाद उनको ये लगाना, ये पहले तो ये डॉक्यूमेंट लगाओ कि प्रॉब्लम क्या आ रही थी। प्रॉब्लम पूरी बताई आपने कि बार बार कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, टेबलेट बार बार हमारी प्रॉब्लम आ रही थी, फेल हो रही थी हमने, फिर लगाओ आप करेक्टिव एक्शन के, करेक्टिव एक्शन में हमने मीटिंग करी, उसके ऊपर आप डॉक्यूमेंट लगाओगे कि हमने ये करेक्टिव एक्शन लिया कि दोनों की पैकिंग के कलर चेंज कर दिए, दोनों की लेबलिंग की साइज के फॉन्ट साइज बड़े कर दिए, और फिर आपने लगाया ये करेक्टिव एक्शन के डॉक्यूमेंट हो गए, फिर लगेगा प्रिवेंटिव एक्शन के डॉक्यूमेंट। प्रिवेंटिव एक्शन में आपको ये लगाना है कि ये एक्शन लेने के बाद हमको क्या रिजल्ट्स मिले, क्या वापस टेबलेट्स फेल होने लग गई, क्या ये कंफ्यूजन बाद में भी क्रिएट हुआ, तो ये कम से कम तीन बैचेस के हमको रिकॉर्ड लगाने पड़ेंगे और ये पूरी प्रोसेस कहलाती है करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। तो ये बहुत, और ये जैसे मैंने आपको केवल प्रोडक्शन का एग्जांपल बताया, ये आप क्यूसी के अंदर भी समझ सकते हैं, क्यूसी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो क्यूसी के अंदर भी कापा लिया जाता है, तो ये कहलाता है करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। अगर बात की जाए कापा के इंपॉर्टेंस की, तो कापा करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन प्रोसीजर जो होता है और उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। प्रोसेस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बारे में आईएसओ ने भी गाइडलाइन दी है, ICS ने भी गाइडलाइन दी है और USFDA 21 CFR ने भी इसके बारे में बोला है। तो कापा का मतलब ये नहीं है कि केवल इंडस्ट्रियल लेवल पे ही हमको करना है, ये बेसिकली गाइडलाइन के अंदर ही आता है कि अगर आप कोई भी करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं तो उसका आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना ही है। तो ISO 9000 के अंदर भी इसकी बात की गई है, ICH Q7 2.4 के अंदर भी इसकी गाइडलाइन दी हुई है, साथ ही साथ 21 CFR Part 211.192 के अंदर भी कापा करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। मतलब कहने का मतलब है कि गाइडलाइन पहले से ही प्रोवाइडेड है आपको, कहने का मेरा इसको समझाने का मतलब यह है कि यहां पर इंडस्ट्री को अपना कोई दिमाग नहीं लगाना है कि आप जब कापा लेंगे, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन करेंगे तो आपको अपने हिसाब से फॉलोअप लेना है या जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको फॉलो करना है, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी USFDA, सीधी सी बात है अधिकतर इंडियन कंपनीज जो है वो USFDA को ही फॉलो करती हैं, उसी की CGMP गाइडलाइन को ही फॉलो करती हैं, तो सीधी सी बात है 21 CFR Part 211.192 को ही फॉलो करना है। यहाँ पर कापा में पूरा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, क्या फॉर्मेट होगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको रखनी है ऑन द रिकॉर्ड, वो सारी की सारी गाइडलाइन पहले से दी हुई है। बस QA के जो ऑफिसर्स होंगे उनको बस उसका फॉलोअप लेना है कि ये जो कापा की जो पूरी प्रोसीजर चल रही
रही है, ये 21 CFR के हिसाब से चल रही है कि नहीं चल रही है, दैट्स इट। ठीक है, मतलब इसमें आपको अपना कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही गाइडलाइन पहले से प्रोवाइडेड की गई है, आपको बस उसको फॉलो करना है। दूसरी चीज ये कि कापा अधिकतर क्यों लिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, वहां पर तो एक ह्यूमन एरर हो रहा था, वो कलर की वजह से ही मिस्टेक हो रही थी और टेबलेट हमारी फेल हो रही थी, बट फिर भी यहां पर दो ऐसे चीजें हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि कापा लेने के दो तीन रीजन है, एक तो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं, OSS जब आपकी ड्रग आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन चली जाएगी उस वजह से भी कापा लिया जा सकता है, आउट ऑफ ट्रेंड, जब आपकी ड्रग जो है वो आउट ऑफ ट्रेंड चली जाएगी तो उसकी वजह से भी कापा लिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन, अगर आपकी टेबलेट आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स दे रही है तो उसकी वजह से भी कापा लिया जा सकता है, उन सभी के वीडियो मैं बना चुका हूं, तो वीडियो देख के आप समझ सकते हैं कि आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन और आउट ऑफ ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, उससे उसके बाद एक चीज और है जिसको आपको समझना पड़ेगा, वो होता है इंसिडेंस और डेविएशन। सबसे ज्यादा जो कापा लिया जाता है वो इन दोनों की वजह से लिया जाता है, इंसिडेंस की वजह से और डेविएशन की वजह से। तो पहले मैं आपको बहुत सिंपल और इजी वे में समझाता हूं कि इंसिडेंस क्या होता है और डेविएशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूं मैं इंसिडेंस क्या होता है। देखिए, इंसिडेंस वो प्रॉब्लम है जब मशीन की वजह से कोई ड्रग का रिजल्ट सही नहीं आता है, मशीन की वजह से, इंस्ट्रूमेंट की वजह से कोई ड्रग का रिजल्ट सही नहीं आता है, हमारी ड्रग फेल हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम कहलाती है इंसिडेंस। ठीक है, और अगर ह्यूमन एरर की वजह से, आदमी मनुष्य की गलती की वजह से, हमारी गलती की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम होती है, हमारी ड्रग फेल हो जाती है, हमारे रिजल्ट सही नहीं आते हैं, तो उसे बोला जाता है डेविएशन। ठीक है, तो यहां पर आप ये बात समझिए कि इंसिडेंस मतलब मशीन की गलती की वजह से हमारी ड्रग फेल हुई है, और डेविएशन मतलब ह्यूमन एरर, मनुष्य की गलती से फेल हुई है। यहां पर जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था टेबलेट का, जहां पर हम ग्लाइडेंट्स और बाइंडर्स में कलर की वजह से कंफ्यूज हो रहे थे, तो वो जो मिस्टेक हो रही थी वो कहलाती है डेविएशन, ह्यूमन एरर। ठीक है, तो ह्यूमन एरर की वजह से, और अधिकतर मैंने एक चीज देखी है कि कापा लेने का सबसे ज्यादा जो रीजंस हुए हैं वो ह्यूमन एरर ही हुए हैं, क्योंकि मशीन की गलती की वजह से बहुत कम कापा लिया जाता है, लिया जाता है बट बहुत कम होता है, क्योंकि मशीन की गलती को सुधारा जा सकता है। ठीक है, उसको एक बार आपने ठीक कर दिया, हो गई प्रॉब्लम, उसमें आप जस्टिफिकेशन इजिली दे सकते हो कि मशीनी गलती थी, हमने ठीक कर दी। बट ह्यूमन एरर में क्या करोगे, ह्यूमन एरर के अंदर तो फिर आप ह्यूमन को ठीक करो, उसको वाया ट्रेनिंग के थ्रू ठीक करो, अगर वो ट्रेनिंग के थ्रू ही नहीं ठीक हो रहा है, अगर ये मिस्टेक बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब है कि डेविएशन की वजह से नहीं हो रहा है, लगता है किसी प्रोटोकॉल के अंदर ही प्रॉब्लम है और उसी को हमको करेक्ट करना पड़ेगा, और फिर लिया जाता है कापा। तो आप समझ रहे हैं कि यहां पर अधिकतर जो कापा लिया जाता है वो डेविएशन की वजह से लिया जाता है, और इंसिडेंस की वजह से भी लिया जाता है, बट इसमें डेविएशन के चांसेस बहुत कम है। तो आप समझ सकते, एक चीज और इसमें समझना पड़ेगा कि अगर डेविएशन की वजह से कापा लिया जा रहा है, और कापा को हम बार बार भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसका पूरा जस्टिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, और ऑडिट के अंदर आपको इसका जवाब भी देना पड़ेगा कि आपने कापा लिया क्यों। ठीक है, तो कापा आप हमेशा नहीं ले सकते हैं कि जब देखा तब उठा के कापा ले लिया इंडस्ट्री ने क्योंकि डेविएशन हो रहा था, नहीं। अगर आप इस टाइप से बार बार कापा ले रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपके जो पर्सन से या तो उनकी ट्रेनिंग खराब है, या आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वही बिगड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपका यहां पर अगर ह्यूमन एरर की वजह से कापा लिया जा रहा है तो उस पर्सन की तो लग गई अच्छे से। ठीक है, मतलब उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है, फिर या तो वो कंपनी से भी निकाला जा सकता है या उसका प्रमोशन ही रुक जाएगा ह्यूमन एरर की वजह से। और इंसिडेंस की वजह से भी अगर कापा लिया जा रहा है तो उस कंपनी की लग गई जिस कंपनी से वो इंस्ट्रूमेंट्स आए थे, या वो इंजीनियरों की अच्छी खासी बैंड बज जा देंगे वो लोग क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट को सही तरीके से रखरखाव नहीं कर पा रहे। तो यहां पर हम कापा का सही तरीके से, मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि कापा आप बार बार नहीं ले सकते हैं क्योंकि एक प्रॉपर प्रोसेस होती है, क्योंकि आप एक पूरी प्रोसेस को चेंज कर रहे हो, और एक करेक्टिव एक्शन के नाम पर आप पूरी प्रोसेस चेंज कर रहे हो, तो यहां पर डॉक्यूमेंटेशन करना और उसका फिर बाद में ऑडिटर्स को जवाब देना काफी महंगा पड़ता है। इसलिए इंडस्ट्रीज बार बार कापा नहीं ले सकती हैं, कापा वो तभी ले सकती हैं जब बहुत जरूरी हो। इसीलिए कापा लेने से पहले कंपनी 100 बार सोचती है और उसी के बाद फिर कापा लिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पर ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई PhD वर्क से जुड़े हुए हैं, या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी
प्रोवाइड कराता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।